हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटेक एजुकेशन। मैं मोहन नेक्स्ट टॉपिक के साथ आया हूँ और आज हम लोग बात करेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट के ऊपर। कौन सा टेस्ट? ऑटोक्लेव टेस्ट। तो आप लोगों को जैसे कि पता है, ऑटोक्लेव टेस्ट हम लोग साउंडनेस के लिए परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी किसके ऊपर? साउंडनेस टेस्ट के ऊपर, कि साउंडनेस क्या होती है, इसको हम कैसे करते हैं। तो हमने देखा था साउंडनेस हमारी ड्यू टू दो टाइप से होती है, या तो लाइम की वजह से होगी या फिर मैग्नीशिया की वजह से होगी। ठीक है, इसको एम जी ही लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीशिया को। ठीक है, दो केस की वजह से होती है। तो दोनों को हम, अगर साउंडनेस लाइम की वजह से है तो अलग मेथड यूज़ करते हैं, अगर साउंडनेस हमारी मैग्नीशिया की वजह से है तो अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने दो मेथड्स देखे थे, एक था ली चैटेलियर मेथड, ठीक है, दूसरा हमारा था ऑटोक्लेव मेथड। ये बात आपको पता है, ऑटोक्लेव मेथड। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे किस पे? ली चैटेलियर मेथड के ऊपर, क्योंकि अब हमारे जो साउंडनेस है, क्लियर है, अब हमारी साउंडनेस जो है, अगर साउंडनेस अगर हमारी, ध्यान देना, या तो केवल और केवल मैग्नीशियम की वजह से हो, या मैग्नीशिया की वजह से हो, या फिर लाइम प्लस मैग्नीशिया दोनों की वजह से हो, तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कौन सा एपरेटस की मदद से परफॉर्म करेंगे, वो है हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम, ऑटोक्लेव टेस्ट क्या होता है, कैसे इसको हम परफॉर्म करते हैं। मैंने बता दिया आपको ऑटोक्लेव टेस्ट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटोक्लेव टेस्ट हम साउंडनेस निकालने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और कब करेंगे इसको वो भी मैंने आपको अभी बताया है, कि जब या तो केवल और केवल साउंडनेस मैग्नीशिया की वजह से हो, या फिर लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से साउंडनेस हो, तो हम ऑटोक्लेव टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? देखना, ये हमारी जो मशीन है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ऑटोक्लेव टेस्ट को परफॉर्म करने की मशीन है। आपकी लेबोरेटरी में दूसरी भी हो सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं आजकल, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, इसके बहुत सारे वेरिएशन है, कोई सी भी मशीन है लेकिन काम सब सेम करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं, बात करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से, किसके लिए? ऑटोक्लेव टेस्ट के लिए। तो ऑटोक्लेव टेस्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इसमें साउंडनेस मैग्नीशिया की वजह से है या फिर दोनों की वजह से है। दोनों कौन? लाइम प्लस मैग्नीशिया, इसको एमजी से बोल रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है, समझ जाना आप लोग। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आखिर ऑटोक्लेव टेस्ट हम परफॉर्म कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना है, ऑटोक्लेव टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम 25x25x250 mm का एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर हमने ये ब्लॉक प्रिपेयर किया है जिसके डायमेंशंस कितने हैं, 25x25x250 mm का ये एक ब्लॉक हमने प्रिपेयर करा है, जिसमें कंसिस्टेंसी कितनी है सीमेंट की, कंसिस्टेंसी हमारी रहेगी कितनी, 0.78 ऑफ पी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको कंसिस्टेंसी नहीं पता है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है, तो उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? तो क्या किया हमने, ये एक ब्लॉक बनाया किसते का, 25x25x250 का, जिसमें हमने कौन सी कंसिस्टेंसी वाली सीमेंट फिल करी, 0.78 P वाली कंसिस्टेंसी इसमें हमने फिल करी। ये बात ध्यान रखना, बहुत सी बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। अब क्या कर रहे हैं हम, टी टाइम मीन्स 24 घंटे बाद, ठीक है, 24 घंटे बाद हम इसमें लेंथ नाप रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर भी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। 24 घंटे बाद हम लेंथ नापेंगे, तो वो हमारी सपोज L1 अगर आ रही है, ठीक है, क्या ये L1 निकल कर आएगी, इसमें भी रोड्स वगैरह लगी रहेगी, तो उसकी लेंथ क्या आएगी, L1। अब क्या करेंगे, इस मोल्ड को हम एक मशीन के अंदर रख देंगे, जो मशीन कौन सी, ये वाली मशीन है हमारी, इसके अंदर हम इसको रख देंगे। क्लियर है? अब ये मोल्ड हमने जो बनाया था, जिसमें कंसिस्टेंसी कितनी थी सीमेंट की, इतनी, इसको हम मशीन के अंदर रखेंगे, ठीक है,
रखने के बाद हम उसमें स्टीम सेचुरेशन लगाएंगे, स्टीम सेचुरेशन प्रेशर इसके एग्जर्ट करेंगे, और प्रेशर कितना रहेगा, वो रहेगा 1.2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से 2.1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आधे घंटे में इतना प्रेशर हमको अटेंड कराना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मशीन है, ये मशीन के अंदर हमने जैसे ही हमारे किसको रखा, उस क्यूब को रखा जिसके डायमेंशन कितने थे, ब्लॉक को रखा, सॉरी क्यूब नहीं होगा, 25x25x250 mm वाले ब्लॉक को हमने इसके अंदर रखा, और ये रेगुलेटर यहाँ पर दिया है, इससे हम वहाँ पर हमारा प्रेशर सेट कर लेंगे कितना, 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 2.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक, क्लियर है। इतना प्रेशर हम इसमें क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, कितनी देर में, आधे घंटे के अंदर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है हाफ आवर के अंदर। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, आधे घंटे बाद इसको निकालने के बाद हम इसको वाटर के अंदर डाल देते हैं। इसको जैसे ही निकालेंगे मशीन के अंदर से वाटर पे डाल देंगे, जो वाटर 90 डिग्री सेल्सियस पर हमारा है, ठीक है, उसको निकाला, उसको निकालने के बाद आधे घंटे तक उसको ठंडा होने दिया। ठंडे होने के बाद फिर से उसकी लेंथ हमने नापी, और लेंथ सपोज कितनी आ गई, L2 आ गई, इस बार L2 आ गई, क्लियर है। तो जो साउंडनेस हमारी है वो आएगी कितनी, L2 - L1, समझ आया क्या किया हमने। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले ऑटोक्लेव टेस्ट को देखा। तो ऑटोक्लेव टेस्ट हमारा है किसके लिए परफॉर्म करते हैं, जबकि हमारी साउंडनेस जो रहे किसकी वजह से हो, या तो लाइम की किसकी वजह से हो, मैग्नीशिया की वजह से हो, या फिर लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से हो, क्लियर है। कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम एक ब्लॉक ले रहे हैं कितने का, 25x25x250 का, ठीक है, और इसमें हम कंसिस्टेंसी कितनी, 0.78p की कंसिस्टेंसी वाली सीमेंट इसके अंदर फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद हम इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 24 घंटे बाद उसमें लेंथ नापते हुए आई L1। अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को मशीन के अंदर डाल रहे हैं, और उसमें हम इतना प्रेशर लगा रहे हैं स्टीम की मदद से आधे घंटे तक। फिर उसको निकाला, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के अंदर हमने उसको डाला, उसमें से फिर थोड़ी देर बाद निकालने के बाद आधे घंटे उसको ठंडा होने दिया। फिर उसकी लेंथ हमने मेजर करी, वाई कितनी, L2। तो साउंडनेस हमारा कितना जाएगा, L2 - L1, क्लियर है। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आगे अगर हम लोग बात, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्सपांशन रहेगा, ठीक है, एक्सपांशन जो रहेगा, जो हमने यहाँ से निकाला है, डेट इज साउंडनेस जो है हमारी, ये क्या है, एक्सपांशन ही एक प्रकार का एक्सपांशन, ठीक है। एक्सपांशन हमारा 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत के अंदर। ध्यान देना कि जो हमारा एक्सपांशन आएगा वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए, फॉर OPC ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो रहेगी हमारी, उसके कौन सी ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ये टाइप्स ऑफ सीमेंट जो है इनके लिए ये सारा कितना होना चाहिए, 0.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दी गई है कि 1% फॉर मेसनरी सीमेंट, मेसनरी सीमेंट के लिए 1% होना चाहिए क्या, एक्सपांशन या फिर हमारे साउंडनेस। तो एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए OPC के लिए साउंडनेस कम से कम कितनी होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। तो OPC के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा साउंडनेस होगी या एक्सपांशन होगा वो कितना हो सकता है, 0.8% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको अब क्लियर हो गई। ये मशीन है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे थे, हम इसमें स्टीम सेचुरेशन प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, कितने का, 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर टू, ठीक है, 2.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर का, क्लियर है ये चीज़। तो मेरे ख्याल से ऑटोक्लेव टेस्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे साउंडनेस के सारे टेस्ट ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम किसी और टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।